नमस्कार, लीड इंडिया के इजी लीगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंटरनेट ने जहां आज हमारी जिंदगी को आसान बनाया, वहां पर उसने कुछ जीवन को बहुत परेशानियों में भी डाला। एक वर्ड है ब्लैकमेलिंग और ठगी। इन दो शब्दों से आमतौर पर लोगों का वास्ता पड़ता ही रहता था, लेकिन जब आदमी साइबर ठगी या फिर इस तरह की ब्लैकमेलिंग में पड़ जाता है तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह मौजूद हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो इंटरनेट के थ्रू जो क्राइम होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो पैसों संबंधी फ्रॉड होते हैं और दूसरा होते हैं ब्लैकमेलिंग, या फिर जिनको अब एक नया टर्म मिला है सेक्स टॉर्शन। तो आज हम इसी पर जानना चाहेंगे आपसे कि इस तरह के जो, अगर मान लीजिए इस सिचुएशन में आदमी फंस ही जाए, तब उसको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ साइबर जो है, साइबर में कैसे लोग फंसते हैं पहले इसको समझना जरूरी है। उसके बाद से कैसे, एक बार साइबर यानी कि आप कोई इंटरनेट के माध्यम से आपके साथ, आप कैसे धीरे धीरे अपराध के दलदल में फंस जाते हैं और कैसे आपके साथ में ब्लैकमेलिंग होने लगता है, पहले उसको समझना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब कभी भी कोई यूजर जो इंटरनेट को यूज कर रहा है, अपने फ़ोन को यूज कर रहा है, और यूज करते हुए जब वो किसी ऐसे ऐप पे चला जाता है, किसी ऐसे ईमेल को चेक करता है जो हो सकता है कि उसमें उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हों, या कोई खूबसूरत लड़की दिख रही हो, या फिर कोई सेक्सुअल कोई कंटेंट हो, कुछ इस तरह के कंटेंट्स होते हैं, या कोई वीडियो कॉलिंग कर रहा हो, या कोई आपको किसी तरीके से लुभावने वादे कर रहा हो, जब इन सभी चीज़ों में आप अपने आप को इंडल्ज करते हो, तब जाकर के ही एक क्राइम की शुरुआत होती है नॉर्मली। और दूसरा जो सिचुएशन ये होता है कि कई बार आपको पता नहीं चलता है, आप इस अजम्पशन में भी आपके साथ में धोखा हो जाता है कि सामने से कोई कॉल कर रहा है और वो बैंक का या कुछ ऐसे एजेंसी का बताता है, और आपको समझ नहीं आता है कि वो एक्चुअल है या नहीं एक्चुअल है, और आप क्राइम में फंस जाते हो। तो ये एक सिनेरियो है, इस तरह से लोग फंसते हैं। आप स्पेसिफिक पूछेंगे तो मैं आपको दो घटनाएं बताना चाहूंगी जिससे संबंधित ये सवाल उठते हैं जी। एक सेक्सटॉर्शन से रिलेटेड है। एक व्यक्ति का हमारे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद से ही, उनके पास किसी का फोन नहीं आया, तो उन्होंने खुद से टेलीग्राम पर सर्च किया कॉल गर्ल्स। उसके बाद उन्हें एक नंबर मिला, उससे उन्होंने बात करनी शुरू की। बात करने पे जगह भी फिक्स हो गई, व्यक्ति भी मिल गया और पैसों का ट्रांजैक्शन भी हो गया। करीबन उन्होंने 10,000 के लगभग पेमेंट कर दिया, लेकिन तब उन्हें लगा कि वो कहीं फंस रहे हैं। तो इसके बाद उन्होंने उनको धमकाया कि आप हमें हमारा पैसा वापस कर दो, हमें आपकी सर्विस नहीं चाहिए। बाकायदा इसमें एक इंटरनेट साइट भी शामिल थी, लेकिन पैसा वापस नहीं आया। उल्टे उस ठग ने धमकी दी कि मैं अब आपके खिलाफ केस कर दूंगा। तो ऐसे में वो डर गए और उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या उन्होंने इस तरह की जो साइट को सर्च किया, खुद से जो इनिशिएट किया है, तो क्या उनसे कोई क्राइम हुआ? देखिए, उनसे कोई क्राइम नहीं हुआ, वो कॉल गर्ल सर्च कर रहे थे। कॉल गर्ल सर्च क्या है, ये कोई क्राइम नहीं हुआ उनसे, लेकिन ये एम्बरेसमेंट है। जब कभी भी वो जाएंगे FIR लिखवाने के लिए, तो इस एम्बरेसमेंट से लोग बचते हैं कि मैं कॉल गर्ल सर्च कर रहा था, खुद ही सर्च कर रहा था, और फिर ये बात पुलिस को पता चलेगी, फिर पुलिस से घर वालों को मालूम चलेगा, तो इस वजह से लोग चुप रह जाते हैं और ऐसे ब्लैकमेलिंग के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। वास्तव में ये एक ठग था, जैसे ही आपने इस कीवर्ड से सर्च किया, उसके ठग का जो वेबसाइट था, जो ब्लैकमेलर था, उसका जो वेबसाइट था या जो भी उसका ग्रुप था, वो पॉपअप हो गया और उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, और जिसके बाद से उसने आपको ठग लिया। तो ऐसे में कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये हुआ है तो आपको जरूर पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। अगर कई बार शर्मिंदगी होती है तो आप ये भी बता सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही बताओ कि आपने कॉल गर्ल सर्च किया उसके बाद ही ये सब चीज़ हुआ। आप ये भी बता सकते हैं कि कोई ऐसा आइकन दिख रहा था जिस पे आप गलती से क्लिक हो गया, या कुछ भी। आप अपने आप को सेफ करते हुए किसी लीगल एक्सपर्ट से बात कर लें, अपने आप को सेफ करके भी कंप्लेंट करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसमें व्यक्ति अपनी पहचान नहीं बताना चाहता, तो क्या ऐसा भी कोई तरीका है जिसमें पहचान छुपाकर वो कंप्लेंट कर सके? ऐसा नहीं तरीका है। कंप्लेंट जब भी आप करोगे तो जो भी साइबर क्राइम है वहां पे आपको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी, तभी जाके होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि साइबर ब्लैकमेलिंग, सेक्सटॉर्शन या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत धड़ल्ले से हो रहा है, ऐसा बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। और चूंकि इंटरनेट के माध्यम से सबके हाथ में इंटरनेट है,
तो सभी लोग इसके शिकार होते हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल दुनिया में अकेले ऐसे इंसान है जिसने ये काम किया हुआ है। आपको बिना हिचक के साथ में आपको लीगल सलाह लेके और जरूर कंप्लेंट करना चाहिए। ब्लैकमेलिंग के दबाव में नहीं आना चाहिए, शर्मिंदगी नहीं झेलना चाहिए, क्योंकि आप कंप्लेन करोगे तो आप खुद को तो बचाओगे ही, अपने माध्यम से दूसरों को भी बचा पाओगे। तो अगर मान लीजिए इस तरह के केस में फंस ही गए, जैसा कि अभी एक 9 फरवरी का मामला था कि वो उनके पास कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल आया और एक न्यूड लड़की ने स्क्रीन पर वो दिखाई दे रही थी, इसको देखकर उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया, काट दिया फोन। लेकिन अगले दिन फिर से एक ठग का फोन आया, व्हाट्सएप कॉल ही था वो भी, उसने कहा कि एक लड़की को हमने अरेस्ट किया है, दिल्ली साइबर सेल से उन्होंने बताया, और उस लड़की के साथ आपका वीडियो है, तो अब आपके खिलाफ एक्शन होगा। इस मामले में उन्होंने 5 लाख रुपए दे भी दिए, लेकिन जब इससे भी ज्यादा डिमांड बढ़ने लगी तब वो वहां पुलिस के पास पहुंचे। तो क्या ऐसे में पहले ही स्टेप पे किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए। देखिए, मैं आपको एक चीज समझने वाली बात है। एक लड़की जो सामने से कॉल कर रही है, वो वीडियो में न्यूड है, ठीक है। उसने जब न्यूड होके आपको कॉल किया, उस वक्त आप भी इमोशंस में आ गए और हो सकता है कि आपने भी जो है कपड़े उतार लिए हों और आप भी न्यूड हो गए हो। होता यह है कि जब ये इस तरह के कोई वीडियो चैट्स होते हैं तो सामने से लड़की का फोटो होता है और जो आदमी है या जो भी पर्सन है वो उसका बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं जो वीडियो में आते हैं, उसका स्क्रीनशॉट वो लोग लेते हैं, जिसमें एक स्क्रीनशॉट में चेहरा दिखाते हैं, दूसरे स्क्रीनशॉट में उनका कुछ अश्लील वीडियो बना करके अश्लील इमेज निकालते हैं और उसको दिखाते हैं और ये सर्कुलेट करते हैं। और उसके बाद से पहला स्टेप उनका ये होता है कि अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये जो फोटोग्राफ्स और वीडियो है ये मैं आपके सोशल सर्कल में, जो कि फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं, उनको शेयर कर दूंगी, जिसके वजह से डर पैदा होता है और फिर जल्दी से लोग पैसे दे देते हैं। इसके बाद से जब ये चीज मान लीजिए पैसे दे दिए, सपोज मान लीजिए 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, तो ये चांसेस और बढ़ जाते हैं कि आपकी ब्लैकमेलिंग और भी ज्यादा होगी। फिर कोई पुलिस वाला फोन करता है, फिर कोई वकील फोन करते हैं, जो इसी लड़की के गैंग के सारे लोग होते हैं। कोई एक्चुअल में थाना नहीं होता, कोई एक्चुअल में पुलिस स्टेशन नहीं होता, कोई गिरफ्तारी नहीं होती, इसी के गैंग के दूसरे ठग होते हैं जो फोन करते हैं और डराते हैं। और समहाउ सम केसेस में तो ऐसा भी कि कुछ पुलिस वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको थाने में भी बुला ले। तो इससे बिल्कुल नहीं डरना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी आप ऐसे सिचुएशन को फेस करें, आप लीगल एक्सपर्ट से जरूर बात करें, वो आपको बहुत चुटकियों में इजिली आपको निकाल सकते हैं वहां से। ऐसा होता है कि ये लोग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप क्या सुझाव देंगे कि इस तरह के कॉल्स, इस तरह के जो ये फ्रेम एक तरीके से ट्रैप तैयार करते हैं, हनी ट्रैप, इसको कैसे जो है आम आदमी इसको समझे कि वो इस तरह के ट्रैप में। अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज आने लगे, सुंदर सुंदर लड़कियां अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर रही हैं, हाय हेलो हे बेबी करके मैसेज कर रही हैं, तो आप इग्नोर करिए, उसको ब्लॉक करिए। वो लगातार उनका जो ये होता है वो लगातार करते हैं, जैसे आज एक लड़की ने किया, शाम को दूसरी लड़की ने किया, परसों, ये 15 दिनों तक लगातार चलता है। आपको कंटिन्यू ब्लॉक करना होगा। अगर उनका कॉल आता है तो वीडियो आपको उठाना भी हो तो अपना वीडियो हाइड कर दीजिए और फिर उठाइए, ताकि उनके पास कोई सबूत ना जाए। आप अपने वीडियो के कैमरे पे अपना थंब रखिए और उसके बाद से आप उठाइए, ताकि उनके पास कुछ ना जाए, है ना। वो ऑटोमेटिकली फोन को डिसकनेक्ट कर देंगे। आपने कहा कि इस तरह से प्रोटेक्शन ले सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये बात भी काफी हैरान करती है कि जब ये क्राइम है, इस तरह से क्राइम हो रहे हैं, तो फिर सरकार इस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती? किस तरह से वो मैसेजेस आते रहते हैं आम लोगों के पास, एकदम से मैसेज आते हैं, उस पर ट्राई कोई एक्शन नहीं लेती, तो ये सब क्या है सर? देखिए, इंटरनेट की ये दुनिया है, साइबर एक ऐसा चीज है ना जो बहुत ही ओपन है, और इस पे कंट्रोल करना, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देना, ये कई बार आपके, अगर मान लीजिए कि रिस्ट्रिक्ट करने का तो तरीका ये है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपके एरिया में सरकार नेट ब्लॉक कर दे तो कुछ भी ऐसे कॉल नहीं आएंगे, कुछ भी ऐसे मैसेजेस नहीं आएंगे, है ना। लेकिन क्या एक सही वायबल सॉल्यूशन है ये? और कोई भी गवर्नमेंट ये कैसे पहचानेगी कि भाई ये लोग जो है सो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, या ये इनके मैसेजेस को बंद कर देना चाहिए? ये कोशिश करती है सरकार, इंडिविजुअल को पकड़ती है, वो फिर मामला जो है पीछे चला जाता है, लेकिन बहुत बड़े गैंग की बात है। कोई भी उठा और उसने इस तरह से ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दिया।
मेरे पास एक क्लाइंट आए थे और क्लाइंट ने ये बताया कि उनकी ठगी कैसे हुई। उसमें जो ब्लैकमेलर पकड़ा गया वो ऐसा ब्लैकमेलर था जो कि अभी अभी ग्रेजुएट था, वो और उसका बाप मिलकर के इसको इस पूरे ऑपरेशन को चला रहे थे। तो इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये वेबसाइट बनाते थे, बड़ी बड़ी पतंजलि का बना लिया किया या बड़े बड़े मतलब 250 वेबसाइट बड़ी बड़ी कंपनीज के बना रखे थे और ये खुद मतलब फ्रेंचाइजी सेल कर रहे थे उन कंपनीज के। अब सोचने वाली बात ये है कि आप देखिए मतलब कि कैसे 250 वेबसाइट बनाना, फ्रेंचाइजी सेल करना और एक साल के अंदर 5 करोड़ रुपए इन्होंने जो है फ्रेंचाइजी के नाम पे ले लिए थे। तो अलग अलग तरीके से ये ब्लैकमेलिंग चल रही है और चलती है। जब कभी भी इसको रोकने का सबसे बड़ा जो काम है कि लोग रिपोर्ट करें, ऐसे मामलों में बहुत सारे लोग रिपोर्ट नहीं करते। सेक्सटॉर्शन या ये वीडियो कॉल्स, इसमें तो रिपोर्ट ही नहीं होता, तो इसलिए भी ये इस तरह के मामले बहुत फलते फूलते हैं। अगर रिपोर्ट होने लगे, अगर ये बातें पुलिस तक जाने लगे बड़े लेवल पे, तो निश्चित रूप से यह रुक भी सकता है। तो मतलब सिंपल प्रोसेस क्या है इसका कंप्लेंट करने का? जैसे मतलब सबसे पहले तो ये है कि आप किसी लीगल एक्सपर्ट से, लॉ फर्म से आप बात कर लें। लाइक अगर आप हमारे पास कॉल करना चाहते हैं, हेल्पलाइन नंबर है, आप बात कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि बात करने के बाद से जैसे लीगल एक्सपर्ट आपको सजेस्ट कर रहे हैं वैसे करें। बस एक चीज का ध्यान रखें कि आप इसको हाइड ना करें, एक चीज बिल्कुल ना करें कि कोई बात छिपाए नहीं लीगल एक्सपर्ट से, और आप उनको सारी बातें बताएं, वो डेफिनेटली आपके लिए सलूशन निकाल के देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि समाधान यही है, जब कोई समस्या में पड़ जाए तो सबसे पहले तो उसको फेस करना ही पहला स्टेप होता है। और एक और बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई महिला ब्लैकमेलिंग में फंस गई हो, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को भी लोग ब्लैकमेलिंग करके उनके ऐसे फोटोज निकाल लेते हैं जिसमें वो खुद को बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है कि वो कैसे दूसरों को ये दिखाएंगे या फेस करेंगी। आपको बिल्कुल डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आप डेफिनेटली आप बात करिए, लीगल एक्सपर्ट से बात करिए, घर वालों को विश्वास में लीजिए, और आपके जो भी लीगल सलाहकार होंगे वो भी घर वालों से बात कर सकते हैं और आपको इस समस्या से निकाल सकते हैं। मतलब कुल मिला के डरे नहीं, कंप्लेंट करें, क्योंकि अगर एक बार डिमांड पूरी करेंगे तो बार बार पूरी करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सर, इस सब पर आपने इतने ओपनली बोला, सबको एनकरेज किया कि इस के खिलाफ खड़े हों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।